स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 36 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 4.98 बार और उसका टेम्परेचर दे रखा है 300K। अगर उस ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का हो गया 1.52 बार सेम टेम्परेचर पे तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हमें जो जो चीज़ें दी हुई हैं हमने वो लिख ली। स्मॉल डब्ल्यू दिया है 36 ग्राम, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है 4.98 ग्राम और सेकेंड केस में क्या हुआ, पी इज इक्वल्स टू 1.52 बार, ऑस्मोटिक प्रेशर इतना हो गया और हमें इसका कंसंट्रेशन फाइंड करना है। अब हमें ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मोलैरिटी गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर CRT। सी किसे रिप्रेजेंट करता है, मोलैरिटी को, आर होता है गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर होता है टी। अब जब हम इसको ये भी लिख सकते हैं RT इज इक्वल्स टू पी अपॉन सी, क्योंकि टेम्परेचर सेम है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और गैस भी कांस्टेंट है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P1 अपॉन C1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन C2। अब P1 जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है फर्स्ट केस में ऑस्मोटिक प्रेशर हमें दे रखा है 4.98 और C1 मोलैरिटी, मोलैरिटी हम फर्स्ट उसकी कैलकुलेट कर लेंगे फर्स्ट केस में। तो मोलैरिटी क्या होती है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 36 ग्राम और मास होता है ग्लूकोज का 180। तो और P2 हमें और सेकंड केस में ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दे रखा है 1.52 बार्स और हमें इसकी कंसंट्रेशन फाइंड करना है C2 मोलैरिटी। तो अब हम इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो मोलैरिटी आ जाएगी 0.061 m, तो हमें यही रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है।